मानेसर के खेड़की दौलत टोल प्लाजा पर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे ने आज पंचायत का आयोजन रखा, जिसमें हजारों की तादाद में अहीरों ने भाग लिया। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शांति प्रिय ढंग से कर रहा है। 18 नवंबर 2022 को NH-8 को जाम करने के लिए संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे ने आह्वान किया था, परंतु चक्का जाम तो वो नहीं कर पाए, बल्कि हरियाणा पुलिस ने 1600 लोगों को हिरासत में ले लिया और 19 तारीख को उन लोगों को जमानत पर छोड़ भी दिया। के आज महापंचायत में हमारे समाज ने निर्णय ले लिया, जो पिछले 4 फरवरी से हम शांतिपूर्वक धरने से पर बैठे हुए थे, और जिस हिसाब से जो 18 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने और जो सरकार के इशारे पर हमारे घर में बढ़कर लाठियां चलाई है, धरने को हायर किया है, उससे हमारा पूरा समाज कहीं ना कहीं आहत है। और जिसको लेकर हमारे बच्चे बिलासपुर में, जो बिलासपुर के थाने में हमारे बच्चे को नंगा कर करके मारा, उसको लेकर हमारे प्रशासन और पूरे कमेटी ने फैसला लिया है कि ये लड़ाई हम पहले कही थी, ये लड़ाई पूरी आर पार के तरीके से होगी। और आज कमेटी ने फैसला ले लिया है कि आने वाली 18 दिसंबर को पूरे हरियाणा की पंचायत यहाँ बुलाई जाएगी। प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, अपना मुकदमा वापिस ले, और नेता उनको ने जितने भी दक्षिण हरियाणा के नेता है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, जिन्होंने आके अपना अहीर रेजिमेंट का समर्थन किया है, वो अपना रुख 18 दिसंबर को हमारे बीच में आके स्पष्ट कर दे। और जितने भी हमारे समाज के साथ ये अभद्रता हुई है, बड़े बुजुर्गों पर लाठी चलाई है, या तो अपनी वो चुप्पी तोड़ ले, नहीं 18 तारीख लास्ट होगी। और पूरे हरियाणा से सबको यही बात कह के बोल लिया कि यहाँ पूरे दल बल से इकट्ठा होंगे और इन नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा, पार्टियों के खिलाफ एक्शन होगा, और भी बड़ा मजबूत फैसला लिया जाएगा। अब चाहे किसी पार्टी से नेता हो, चाहे कैसा भी नेता हो, अब हमारे समाज ने इस बात को मान लिया है, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको बता दें कि 18 नवंबर को हुए पूरे वाक्य के बाद मानेसर के खेड़की दौलत टोल प्लाजा पर आज संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे ने पंचायत का आयोजन रखा था। ये पंचायत करीब 4 घंटे तक चली। इस पंचायत में सभी पक्ष के लोगों ने अपनी राय दी, जिसके बाद पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 18 दिसंबर को इसी धरना स्थल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा से लोग शामिल होंगे और इसी दिन जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अहीर नेताओं ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन ने जो झूठे मुकदमे अहीर समाज के लोगों पर दर्ज किए हैं, उसे एक हफ्ते के अंदर वापस ले, वरना ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। वो व्यवहार मतलब इस तरीके से किया गया जैसे हम अछूत लोग हो, बीमार लोग हो, हमारे बच्चों को नंगा करके नहीं मारना था, चालान भी नहीं करने थे। दुनिया अपना हक मांगती है, और एक ऐसी जाति है इस देश की रक्षार्थ अपने प्राण गंवाने वाली रक्षा करती है, वो लोग अपना हक रोड पे मांगे, तो इतना अधिकार तो इन प्रशासन को नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को कुछ सोचना चाहिए, या तो 7 दिन में केस वापस करे, वरना फिर हम इन लीडरों का भी घेराव करेंगे। ऐसा नहीं है इनको छोड़ देंगे। 18 की महापंचायत, 18 दिसंबर की महापंचायत होगी, और नसीरपुर के मैदान से 10 तारीख को ये नौजवान हमारे सारे पद यात्रा शुरू करेंगे, और उसके बाद बहुत बड़ी पंचायत होगी, जो सारे देश की पंचायत होगी। उसमें हम पूरे देश में जहाँ 36 जाति का सहयोग मांगेंगे, हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी और बिहार में, मैं तो तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह करूँगा, अखिलेश जी से भी करूँगा कि वो भी हमारी मदद करें, और समाज के अनेकों नेताओं से बात, पूरे नेताओं को हम ये बात करते हैं। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के संस्थापक अरुण यादव की माने तो 18 नवंबर को हम लोग शांति पूर्वक धरने पर बैठे थे, लेकिन सुबह 7 बजे ही सरकार के इशारे पर पुलिस ने हमारे लोगों को हिरासत में लेकर मारपीट की, जो सरासर गलत है। इस पंचायत में ये फैसला हुआ है कि जिन नेताओं ने अहीर रेजिमेंट को अपना समर्थन दिया था,
वो नेता भी 18 दिसंबर को धरना स्थल पर आके अपना पक्ष रखें। अगर अहिर रेजिमेंट की मांग का समर्थन नहीं किया तो तमाम दक्षिण हरियाणा के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं आंदोलनकारियों की माने तो न केवल मानेसर बल्कि गुरुग्राम नगर निगम में भी भाजपा के बहिष्कार की तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही इसका असर आपको गुरुग्राम मानेसर में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डार्क ग्राउंड न्यूज़।